उस सुंदरी का कैसा सौभाग्य है कि वन की कुटिया में से सीधी लंका के राजमहल में पहुंचने वाली है। उसका सौभाग्य है या नहीं, परंतु आपका दुर्भाग्य अवश्य उदय हो रहा है महाराज रावण। क्या? हाँ लंकेश, आप जिसे एक छोटे से राज्य का कोई साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, उस राम की महिमा आप नहीं जानते। मुझे लगता है कि कोई सचमुच आपका परम शत्रु है जिसने आपको ये सलाह दी है, क्योंकि इस दुष्कर्म के बाद आप कुल समेत नष्ट हो जाएंगे, लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। आप मेरी मानिए तो ये सब कुछ भूलकर लंका वापस चले जाइए। मुझे चारों ओर अंधकार क्यों दिखाई दे रहा है? सूर्य अस्त हो रहा है पिताजी, मैं दीपक जलवा दूं? दीपक जलाने से मेरे मन का अंधेरा तो दूर नहीं होगा, ये अंधेरा नहीं जाएगा, ये अंधेरा नहीं जाएगा। अब तो सूर्यवंश का ही सूर्य अस्त हो गया। ऐसा ना कहिए पिताजी। कैसे ना कहूं बेटी, अयोध्या के इतिहास में ना ऐसी सुबह हुई ना ऐसी शाम। अयोध्या के इतिहास का कितना उज्जवल दिन है ये, माता कुमाता हो गई और पिता कसाई हो गया। मारीच, एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है, खर और दूषण को मार डाला है। एक मानव ने? कौन है वो? सुना है अयोध्या का कोई राजकुमार है राम, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने आया है। उसने हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का भी अपमान किया है, उसकी नाक काट कर उसे कुरूप बना डाला है। हमने मन में ठान लिया है, जिसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा है, हम उसकी रूपवती स्त्री को उसे छीन लेंगे, हमारी रानी बनाएंगे, हम सीता का अपहरण करेंगे। इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता? हाँ, तुम अपनी माया से एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण करो, जिसके सींग सोने के हो, जिसका चरम सुनहरी हो, ऐसा जैसा कभी किसी ने देखा ना हो। तुम्हें देखकर राम और लक्ष्मण भी शिकार के लिए भागेंगे, यदि वो न निकले तो सीता उन्हें अवश्य तुम्हारे शिकार के लिए भेजेगी, उस समय मैं उसे कुटिया में से उठा लाऊंगा।